क्यों निकाल रहे? डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ। तो इसका इसका मतलब राजू का यह कीड़ा और नाम कमिंग है आपको ऑलमोस्ट 1 month आई हैड एन एक्सीडेंट सीरियस एक्सीडेंट सर दिस टाइम बॉय हैज टेकिंग माय वीडियो आई एम ग्रेटफुल फॉर ये क्या था चलो बच्चा लोग जादू तो दिखा एक बार जादू This is the first time somebody is shooting my video, otherwise I do it on selfie mode.
is Raju and I have come here after 1 month. I had a serious accident and Raju has missed me a lot. कसम भाई का क्या हाल है? कसम भाई ठीक है यार, आप बकरीद कर रहे हैं? अच्छा, और आप कब जाओगे? मैं अपने जाऊँगा, मेरा दो चार महीने के बाद जाऊँगा। अच्छा, अभी लड़की की शादी कर क्या? अरे बाप, अभी और बच्चे बाकी है? एक लड़की बाकी, छोटी है, दो तीन साल जान कर। तो तुम्हारा भाई मिला था मेरे को? कब मिला था? चांद हुसैन। चांद? आ, तुम लोग की जगह पे आता था वो कभी कभी? राम भाई, राम मेरा भाई था, चाचा भाई। हाँ मालूम है, बताया वो बोला कि उसका गुरु है, राजू का गुरु है वो। राजू क्या है? मैं रमजान के 16 रोजों का आया, मिले नहीं थे, दो अढ़ाई महीने हो गए है ना। राजू ने बोला भी नहीं, मैंने मार लगा ऐसा, बोल मैं आता था घर पे, अब तुम बोले तो मालूम नहीं। मैं फिर क्या किया पता है आपको? आपने जितने पुराने वीडियो थे ना, वो सब एक साथ करके उसको ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया। अच्छा, पुरानी पुरानी पिक्चर नहीं होती थी वैसा बनाया। अच्छा कर दिया। बट ये चिड़िया का कब से बंद किया? कबूतर का दो चार ग्राम बंद कर रखा है, हो गया अभी बंद? हाँ बंद डाल रहे, फिर भी पूरा नहीं हुआ, पूरा बंद करने वाला है। पूरा आदमी लोग आए थे पूरा आपके सामने। अच्छा, प्रिंसिपल एच वार्ड, एच वार्ड क्या बोले?
मिसेस नबी भाई, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ह्यूमन बींग्स, एंड ही हैड गॉन टू हिज होम टाउन फॉर टू एंड हाफ मंथ्स एंड ही इज रिटर्न एंड आई हैड कम फॉर सम वर्क अराउंड द तलाव, सो आई मेट हिम एंड ही इज थैंकिंग ऑल ऑफ यू फॉर सीइंग हिज वीडियो. तुमको लोग बहुत याद करते हैं. दो महीने तक सब पूछ रहे थे मेरे को क्या हो गया क्या हो गया. तो मैं बोला वो भाई की बेटी की शादी के लिए गया है. पूरा वर्ल्ड में तुम फेमस है भैया. Actually, for 2.5 months after the wedding of his brother's sister, daughter, he has been doing farming. He's got a field and all. He's a farmer actually. From a farmer, he became a ear cleaner. How many years ago did you start this work? Oh, 40 years back. He was a farmer and he now cleans ears. But he has not given up his farm. Whenever he gets time, he goes to his native place and he plows the field. His brother Kasim has not come back. कब आए कब आप? महीने महीने. अभी आप आए कब? मैं आके संडे की ना. अच्छा संडे में आया हूँ. संडे की. अच्छा आपकी तबीयत पानी जरा खराब होती है. हॉस्पिटल में था. अभी आराम हो गया. अभी तो मस्त लगता है. Okay.
इसका पैसा मेरे से ले लेना। ¿Qué es lo que
ले 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 दोनों का फोटो ले ले। इधर भी बता ना बहुत उड़िया गए मेरे आटा वो इड़े ले 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 मेरे
और राजू किधर गया? राजू वो पानी पे इधर छोड़ दिया। राजू तो पाली पे किधर जाता है वो? मार्केट के थोड़ा आगे घूमता है। अच्छा, तो तुम्हारा भाई इधर आके बैठता था? हाँ? चांद हुसैन, माहिम वाला, माहिम वाला। वो सुनता कम है लेकिन बहुत सुनता था। वो सुनता कम है। ये काम सुनता कम है। हाँ निकाले उसको। वो महल में ज्यादा घूमता है। हाँ मालूम है, दरगाह के पास। अभी तुम्हारी बेटी का शादी कब है? बेटे का है। हाँ कासिम भाई तो हमको भूल गए यार। हाँ नहीं नबी भाई मैं भूला नहीं भाई, अभी मैं भूल गए। हाँ हमको तो शादी में बुलाया भी नहीं। वो जब मिले भी नहीं तुम क्या करते? अरे छोड़ो यार, तुम्हारा फोटो बेटा निकालते हैं। इस पिक्चर का जो एक बार नंदी का लिया था ना, इस पिक्चर का नया जो शूटिंग बार नंदी थिएटर का लिया था। नहीं इनका शूटिंग वही करता हूँ। राजू के पास तुम लोगों को जमेगा नहीं? तुम लोगों को नहीं जमेगा। वो औरत किधर गई? औरत के साथ क्या ना कान सुलेमानी कीड़े वाले। अभी वो मच्छी पकड़ना बंद हो गया ना इधर? हाँ वो बात नहीं है। ये लोगों को जाने भी बंद कर दिए। जाना ताला भी जाना डालेगा, फाइन मार दे। वो कल से आएंगे तो फाइन मार देने हैं। आप तो बोलते हैं आप तो बोलते हैं अरे फाइन मारेगा उसको, तबर फाइन मार दे, ले जाके जमा कर देंगे। कितना फाइन कितना मारा? 200-600 मारा।
छोटी बहुत अच्छे है छोटो सुलेमानी कीड़े
ऊपरे धक्का लगे यार बाद जो है इन लोग गाड़ी दे लगभग ना बोला ना क्या धंधा पानी नहीं क्या बहुत ठंडे जा रहे दस तारीख महीना है ना आज 3 तारीख है ना 3 तारीख 10 तारीख बाद धंधा उठेगा
शिवराम भी आ रहे हैं, मोहराम आ रही है, अभी बकरीद भी आ रही है, 13 तारीख को बकरीद है, जिसके पास दौलत है वो कुर्बानी कर सकता है। उसके बाद फिर बीच में मोहराम है, सब खर्चे खर्चे है, मंदिर में आदमी दशहरा है, दिवाली है, उसके बाद फिर ग्यारहवीं है, बाप रे। अच्छा,